જી કરો કરો, મશીન ચાલુ કરો. कोई का प्रश्न आया है, बड़े बड़े भयंकर भयंकर प्रश्नों के विवाद खड़े कर दिए. एक तरफ कहा है कि लौकिक माँ बाप की इच्छा न हो सरेंडर करने की बच्चे को, और बच्ची सरेंडर हो जाए तो वो भारत माता नहीं हो सकती. विदेशी है. और दूसरी VCD में कहा है कि लौकिक माँ बाप में मोह बहुत होता है, इसलिए लौकिक माँ बाप बच्चों के दुश्मन है. और ये भी कहा है कि ज्ञान में आने के बाद लौकिक वालों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है. फिर कहा है तुरंत दान महान कल्याण. अभी हम ब्रह्मा बाप के मुखवंशावली हुए तो हमको नया जन्म मिला, या पुराना जन्म कहेंगे? तो अब बाबा इतनी बातें पैदा होती हैं, क्या करना है, क्या करना ठीक है? ऊपर के 5 पॉइंट में से कौन सी बातें ठीक है और कन्याओं को कौन से पॉइंट पर चलना चाहिए, क्या श्रीमत होगी, आप बताइए, आप ही समझाइए. इसमें कौन से पॉइंट में विरोधाभास पैदा हुआ? पहला पॉइंट जो लिखा है कि बच्ची अगर माँ बाप की इच्छा से सरेंडर न हो तो वो विदेशी है. अच्छा, और जो माँ बाप की इच्छा से सरेंडर हुई है उनमें गारंटी है कि वो विदेशी नहीं हो सकती? है गारंटी? और यहां रुद्रमाला में तो मोस्टली विदेशी ही विदेशी है या स्वदेशी भी है. बाप क्या है? बाप भी विदेशी बनकर आया हुआ है. तो जब बाप ही विदेशी है तो बच्चे क्या होंगे? बच्चे भी विदेशी हो गए. लेकिन हद के विदेशी है या बेहद के विदेशी है? बेहद के विदेशी है. वो विदेशी नहीं है जो कभी कन्वर्ट नहीं होते हैं दूसरे धर्म में. ये भारतवासी तो कन्वर्ट होने वाले हैं,
सहज बुद्धि है इनकी, बड़े भोले भाले हैं, भोली बुद्धि होने के कारण उनको कोई भी कन्वर्ट कर देता है। माँ बाप कन्या की जबरियन शादी करते हैं और उसे सरेंडर नहीं होने देना चाहते लोकलाज के कारण, तो कन्या को शादी कर लेना अच्छा, या ईश्वर के प्रति अर्पण हो जाना अच्छा है, अर्पण हो जाना ही अच्छा है, क्योंकि शादी तो बर्बादी बता दी। दूसरी बात बोली, लौकिक माँ बाप में मोह होता है बच्चों के प्रति, इसलिए वो बच्चों के दुश्मन है, क्योंकि मोह के कारण पहले तो वो अर्पण करने के लिए तैयार ही नहीं होते, आनाकानी करते हैं, पता नहीं आजकल जितनी भी संस्थाएं धार्मिक निकल रही हैं, उनके प्रणेता सब धोखेबाज निकलते हैं, उल्टे पलटे काम हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची गलत रास्ते में फंस जाए, न इस दुनिया की रहे न उस दुनिया की रहे, इसलिए मोह आता है। चलो ज्ञान में चलते हो तो भी कुछ न कुछ संशय आता रहता है, क्योंकि बाप स्वयं गुप्त पाठ बजाए रहा है, बाप संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, और बच्चे बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाए हैं। खुदा न खास्ता बच्ची को हिम्मत करके सरेंडर भी कर दें तो भी डर लगा रहता है, यहां तो सख्त विरोधाभास चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। एक तरफ बेसिक ब्राह्मणों की पार्टी है जो बड़ी बुलंद है सारी दुनिया में, विस्तार में फैली हुई है, उनके पास अकूत धन संपत्ति है और विरोध बहुत करते हैं। दूसरी ओर जो शास्त्रों में लिखा है पांच पांडव, उनकी संख्या तो बहुत थोड़ी है और बड़े गरीब हैं, तीन पैर पृथ्वी भी उनको नहीं मिलते हैं, तो आखिर ये कब तक चलेगा? ब्रह्मा बाबा के पास तो अकूत धन संपत्ति थी, और यज्ञ में ढेर सारा आता भी था, ग्लानी का वातावरण नहीं फैला हुआ था, यहां तो विरोधी पार्टियों के द्वारा ढेर सारी ग्लानी फैलाई हुई है, जिस ग्लानी का जवाब ज्ञान से सब कोई नहीं दे सकता, और पहली बात तो ज्ञान सुनने के लिए कोई तैयार भी नहीं होता, तो बार बार माँ बाप को संशय आता है कि हमारी बच्ची सुखी रहेगी या दुख में चली जाएगी, कहीं ऐसा ना हो छोड़ करके आ जाना पड़े,
दूसरी ओर जो बच्चियां सरेंडर हो जाती हैं, ज्ञान की बातों में रमण कर जाती हैं, सेवा में लग जाती हैं, उनको भगवान का अमंग उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहता है। वो चाहती हैं कि हम कल नहीं आज ही नष्ट मोह हो जाएं। वो अपने माँ बाप से संबंध संपर्क तोड़ देना चाहती है ताकि हमें बिल्कुल याद ना आए। और माँ बाप का वातावरण दूसरा प्रकार का होता है दुनियादारी का। वो बार बार बच्ची को बुद्धियोग से खींचने की कोशिश करते हैं मोह के कारण, और बच्ची बिल्कुल ना कर देती है क्योंकि यहां तो पहली परीक्षा लास्ट ही है, फर्स्ट और लास्ट। कौन सी? नष्ट मोह स्मृति लब्धः। तो जीवन की बाजी लगाई है, तन की बाजी लगाई है, धन की बाजी लगाई है, मन की बाजी लगाई है, संबंधियों और संपर्कियों की बाजी लगाई है। इसलिए थोड़े ही लगाई है कि हम फेल हो जाएं, इसलिए बाजी लगाई है कि जो लास्ट और फर्स्ट परीक्षा है उस परीक्षा में पास होकर के दिखाएं। लौकिक दुनिया में और अलौकिक दुनिया में हमारा नाम बाला हो जाए। तो बाबा ने तो मुरली में जो बोला वो तो पत्थर की लकीर है कि माँ बाप बच्चों के दुश्मन होते हैं, क्योंकि माँ बाप को मोह रहता है, खास करके माँ को। ये कोई गलत बात नहीं है। कितना भी ज्ञान में पक्के चलने वाले होते हैं तो भी अंदरूनी थोड़ा बहुत मोह आता है। बाबा ने तो बोल दिया है माताएं अगर मोह पर विजयी हो जाएं तो समझ लो वो पक्की विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अभी तक तो हुआ नहीं, आगे चल के होना तो जरूर है। बाकी ये बात तो पक्की है कि मोस्टली माँ बाप बच्चों को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, और ये भी पक्का है कि बाहर की दुनिया में बच्चियां जब निकलती हैं तो मुरली ने बोला है कि मधुबन से बाहर जाने के बाद माया जोर से आक्रमण करती है। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हिल जाते हैं। जो कन्याएं अभी तक वापस लौट करके आई हैं, उनमें 90% से भी ज्यादा के पोता मेल खराब निकलते हैं। माँ बाप उतनी संभाल नहीं कर पाते जितनी आश्रम में उनकी संभाल हो जाती है। तीन एजेस होती है, ये उम्र संसार के आकर्षण के लिए अभिशाप है, या तो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट कर दिया जाए, सिनेमा भी न दिखाया जाए, उपन्यास भी न पढ़ने दिए जाएं, टीवी भी न दिखाई दिया है, रेडियो के फिल्मी गीत भी न सुनने दिए जाएं। इतना दुनिया से कट किया जाए तब बच्चों का सुधार हो सकता है, नहीं तो पाश्चात्य शिक्षा के नाम पर आज बच्चों का बहुत हनन हो रहा है। चरित्र नाम की चिड़िया तो जैसे उड़ती जा रही है दूर ऊंचाई में,
चरित्र बिगड़ने के कारण ही बाबा ने बोला डॉगली पढ़ाई और ईश्वरीय पढ़ाई को बोला गॉडली पढ़ाई। तीसरी बात बताई है, ज्ञान में आने के बाद लौकिक वालों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। ये तो दो बातें हो गई, ज्ञान में चलना है तो ज्ञान के रास्ते की तरह चलना चाहिए, दुनिया में चलना है तो दुनियावी रास्ते पे चलना चाहिए। तोड़ निभाने वाली बात अलग है, उसके लिए बता दिया कि दो नावें हैं, लौकिक नाव और अलौकिक नाव। लौकिक दुनिया की नाव पर हमें बुद्ध रूपी पांव तो रखना है दिखाने के लिए, लेकिन ज्यादा दबाव नहीं डालना है। बुद्ध रूपी पांव का दबाव किस तरफ होना चाहिए? अलौकिक दुनिया की नवैया की ओर। लौकिक नवैया का दबाव अगर छूट भी जाए तो कोई चिंता नहीं, जब तक हो सकता है तब तक तोड़ निभाना अच्छा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सभी आत्माओं को ज्ञान में खींचने का और हमको वरदान भी मिला हुआ है, खास करके एडवांस वालों को, कि हमारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो जब हमें मालूम है कि चलेगा तो हम उनको अपनी तरफ से छोड़ कैसे सकते हैं? बाकी हम उनकी मत पर चल पड़े, ईश्वर की मत को छोड़ दें, ये तो असंभव है। ईश्वर की मत को अगर हम छोड़ देंगे फिर तो ना हम ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे, फिर तो समझो नई दुनिया हाथ से खिसक गई। जैसे दुनिया को मरना है, खलास हो जाना है, कब्रस्तान में कब्र दाखिल हो जाना है, ऐसे हम भी कब्रस्तान में कब्र दाखिल हो जाएंगे। नई दुनिया के नजारे तब तक ये हैं जब तक हम श्रीमत को पकड़ते हैं। श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत किसकी है? श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत देने वाला कौन है? और वो भगवान बाप ही है। ये बात जिनकी बुद्धि में बैठी हुई है वो लौकिक दुनिया वालों की बात क्यों मानेंगे? अच्छी तरह से सोच करके समझ करके तब बेसिक में गए, वहां भी देख लिया कि लौकिक दुनिया को छोड़ करके जो एक बार बेसिक ज्ञान में आ गया वो कभी भी वापस नहीं जाता है लौकिक दुनिया में। बहुत थोड़ी परसेंटेज के लोग हैं जो ऐसे बेवकूफ होंगे जो ईश्वरीय ज्ञान को सुनने के बाद फिर लौकिक दुनिया की तरफ मुड़ गए होंगे, कहें कि उन्होंने ज्ञान को समझा ही नहीं। और बेसिक में आने के बाद बेसिक को भी छोड़ करके जो एडवांस में आ गए, उन एडवांस में आने वालों को फिर बेसिक वालों ने अपनी तरफ कभी खींच नहीं पाया। तो जिसको ऊंची से ऊंची चीज मिल जाए फिर नीची तरफ उसकी नजर जाती ही नहीं। तो ये विशेष ज्ञान मिला, विशेष रूप में भगवान का पार्ट
पहचानने के कारण हमको भगवान मिला, भगवान की मत मिली। प्रैक्टिकल अनुभव, अनुभव भी होता है कि हमने जो पाया वो किसी ने नहीं पाया। लेकिन पाने का आधार क्या है? श्रीमत। जो जितना श्रीमत को पकड़ करके चलता है वो उतना ही गहराई में जा रहा है और प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, खुशी का अधिकारी बन जाता है। श्रीमत को ही ज्ञान कहा जाता है, डायरेक्शन कहा जाता है। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि ज्ञान में आने के बाद लौकिक दुनिया वालों से पूछना भी कुछ नहीं है। पूछने का मतलब ही होता है हम उनकी मत पर चलना चाहते हैं, अगर कोई पक्का संबल मिले तो। जैसे कोई पूछते हैं बाबा हम शादी करें, तो बाबा कहते हैं इनकी जरूर इच्छा इच्छा है, तब पूछ रहे हैं। ऐसे ही ज्ञान में चलने वालों को लौकिक परिवार वालों से या संबंधियों से या संपर्कियों से कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। इतना मतवाला होकर के चलना चाहिए। और अगर वो अपनी तरफ से मत दें भी तो उस मत पर ध्यान देने की दरकार नहीं है, चलना तो दूर रहा। इतने निश्चय बुद्धि होकर के अगर हम चलते रहे तब ही प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बुद्धि में बैठ जाता है कि हमने सच्चा रास्ता पकड़ लिया, अच्छा रास्ता पकड़ लिया, हमको वास्तव में भगवान मिल चुका है, सदगुरु हमने पाया है। जन्म जन्मांतर की कोशिश करने के बाद, भक्ति मार्ग में ठोकरें खाने के बाद, इस लास्ट जन्म में हमें सदगुरु की प्राप्ति हुई। अभी तक जन्म जन्मांतर हम झूठे गुरुओं के चक्कर में फंसते रहे। जैसे ऐसा अनुभव हो जाता है, दृढ़ता पैदा हो जाती है, वो फिर एक सेकंड भी अपना क्यों गवाए? क्या करे? तुरंत दान, महाकल्याण। निश्चय पैदा किया और तुरंत एक्ट में लाया। जितना देरी करते जाते हैं अर्पण में होने में, उतना ज्ञान का फाउंडेशन कच्चा होता जाता है। फाउंडेशन कच्चा हो जाता है तो उसके ऊपर की बिल्डिंग कच्ची होती जाती है। मजबूत बिल्डिंग खड़ी नहीं की जा सकती। इसलिए ये भी जरूरी है कि फैसला करने के बाद कल्याण के कार्य में तुरंत लग जावे। इन सभी पॉइंट्स में कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है। अगर कोई को लगता है कि कहीं कोई विरोधाभास है तो बताए। जैन धर्म में मंत्र जपते हैं नमो अरिहंतारम अरिहंतारम, उसका अर्थ क्या है? अरि कहा जाता है दुश्मन को, हंता कहा जाता है मारने वाले को, अर्थात जो दुश्मनों को मारने वाला है उसको मैं नमन करता हूं। दुश्मन कौन है? पांच विकार रावण, और रावण को मारने वाला कौन है? राम।
तो उसको नमन करता हूं। ये मंत्र अच्छा है या खराब है? अच्छा ही तो है। नमो सिद्धानाम, जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं उन सिद्धि को प्राप्त करने वालों को नमन करता हूं। वो तो दुनिया नमन करती है। ब्रह्मा ने सिद्धि को प्राप्त नहीं किया, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं नमन करने के लिए, क्योंकि सिद्धि को प्राप्त नहीं किया। तीर्थंकरों को नमन करते हैं क्योंकि तीर्थंकर भगवान के रूप माने जाते हैं, उन्हें अरहंत कहा जाता है। भगवान के रूप इसलिए माने जाते हैं कि उन्होंने संपूर्ण पुरुषार्थ किया है। नमो उज्जैनम, उज्जैनी नगरी से बना है उज्जैनम। उत्त माने ऊपर, जिन माने जीतना, जैन माने जीतने वालों के फॉलोअर्स। पांच विकारों पर जीत पाने वालों के फॉलोअर्स जहां जास्ती तादाद में रहते हैं उस नगरी का नाम है उज्जैन नगरी। उनको नमन करता हूं। माता जी ने सारे ही मंत्र लिख दिए। आज जैन भाषा में जो मंत्रोच्चारण है वो पाली और प्राकृत भाषा से लिया गया है। जो पाली और प्राकृत भाषा को जानने वाले पंडित हैं वो उनके एक एक शब्द के अर्थ को बता सकते हैं। इसमें संस्कृत ही नहीं है और भाषाएं भी हैं। महात्मा बुद्ध तो 50 साल बाद में आए हैं, लेकिन जैन धर्म तो अलग से कोई धर्म नहीं है। देवी देवता सनातन धर्म का ही दूसरा रूप है, इसलिए झाड़ के चित्र में कहीं भी जैन धर्म अलग से नहीं दिखाया गया है। बौद्ध धर्म अलग से दिखाया गया है, लेकिन जैन धर्म अलग से नहीं दिखाया गया है। और दिलवाड़ा मंदिर किसकी यादगार है? जैनियों की यादगार है या हमारी यादगार है? बाबा ने क्या बोला? हमारी यादगार है। अर्थात इंद्रियों के ऊपर जीत पाने वाले, पांच विकारों के ऊपर जीत पाने वाले हम ब्राह्मण बच्चे हैं। उनके दो रूप हो गए बाद में, इसलिए दो प्रकार के मंदिर भी उनके मिलते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मंदिर है ब्रह्मा बाबा और उनके फॉलोअर्स की यादगार, सफेद वस्त्र वाले, और दिगंबर, दिग माने दिशाएं ही जिनका, अंबर माने वस्त्र हैं, दूसरे कोई वस्त्र नहीं है। अर्थात जो अपन को क्या समझते हैं, नंगी आत्मा समझते हैं, देह का भान भुलाते हैं, जैसे वस्त्र है ही नहीं, अंबर है ही नहीं, वो ऊंची स्टेज वाले हैं। इसलिए दिगंबर जैनियों के मंदिर ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं और श्वेतांबर मंदिर नीचे स्थान पर है। दिलवाड़ा मंदिर में भी दो प्रकार के मंदिर हैं, एक नीचे है और एक ऊपर बना हुआ। जहां कहीं भी जाएंगे, जैनियों के दो प्रकार के मंदिर होते हैं,
दिगंबर मंदिर ऊंचाई पे बनाए जाते हैं और श्वेतांबर मंदिर नीचे स्टेज में बनाए जाते हैं, क्योंकि श्वेतांबर पहले हुए हैं, उन्होंने नीचे स्टेज की बेसिक पढ़ाई पढ़ी है, इसलिए नीचे नीचे हैं उनके स्कूल जिसकी यादगार बना है मंदिर। और दिगंबर हुए हैं बाद में ऊंची स्टेज की पढ़ाई पढ़ने वाले, इसलिए वो मंदिर बाद में ऊंची स्थान पर बनाए गए हैं। और एक प्रश्न आया है, रुद्रमाला के लिए कहा गया है कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, ऐसे है? है? ऐसे है या नहीं है? है। किसने दोस्ती कर ली? है? शिव बाबा ने कांटों से दोस्ती कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि फूल नहीं मिले, माने बेसिक में चक्कर लगाते रहे होंगे पहले, है? उनके हत्थे एक भी नहीं चढ़ा, तो क्या किया? फिर उन्होंने चला, अच्छा चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में ऐसे ही है, तो क्या करे? कांटों से दोस्ती कर ली। तो बाबा, जो पक्की पक्की सूर्यवंशी आत्माएं हैं अथवा अष्टदेव हैं, काशी नगरी में रहने वाले हैं, रुद्रमाला के सर्वोच्च मणके हैं, वे कैसे कांटे हैं? वो कांटे कैसे हो सकते? क्योंकि कांटे बनना तो अच्छा पाठ नहीं है ना। अच्छा, सूर्यवंशी सारों को छोड़ दो, सूर्यवंशियों का मुखिया कौन है? बाप। चंद्रमा की रोशनी में सारी रात कोई खड़ा रह सकता है गर्मियों के दिनों में, या सूर्य के रोशनी में छत्र छाया में सारा दिन कोई खड़ा रह सकता है? है? खड़ा रह सकता है। और सूर्य की रोशनी में खड़ा नहीं रह सकेगा। क्यों नहीं रह सकेगा? है? क्योंकि सूर्य खुद तपता है और दूसरों को भी तपाता बहुत है। तो भगवान सूर्य के जो सूर्यवंशी बच्चे हैं और उनमें जो बड़ा बच्चा है राम वाली आत्मा, वो यज्ञ के आदि में भी सबसे जास्ती गाली खाई थी, सारी दुनिया एक तरफ और वो आत्मा अकेली एक तरफ हो गई थी। यहां तक कि बताया मुरली में उसकी लाश भी गुम कर दी गई। देहं वा पातयेत् कार्यं वा साधयेत्।
हिला नहीं। इतना दुख देकर के गया, कौन सी पार्टी को है, कौन सी पार्टी को इतना दुख मिला? अरे जो ओम मंडली कही जाती थी, एक थी वो एंटी ओम मंडली और दूसरी थी ओम मंडली। वहां बोला बाबा ने, राम क्या हो गया, फेल हो गया। तो कम दुखदाई आत्मा थी या ज्यादा दुखदाई थी? ज्यादा दुखदाई थी। बाबा उस समय उतना ज्ञान नहीं था ना। है वो बात अकेली उसी के लिए लागू होती है, औरों के लिए लागू नहीं होती क्या? बाबा कहते हैं तुम बच्ची यहाँ पढ़ी लिखी नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी तो बुद्धि बहुत चलती है, तो बुद्धिमानों को बुद्धिमान अच्छे लगते हैं। जिनकी बुद्धि बहुत चलती है या बुद्धू बच्चे, भोले वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बुद्धिमान अच्छे लगते हैं। है बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि, लेकिन बुद्धिमानों को पसंद नहीं करता। किसको पसंद करता है? दिल वालों को पसंद करता है। हाँ, ज्ञानी का मतलब यह है कि ज्ञान की बातों में विशेष रस लेने वाली। ज्ञानी थी क्या पहले? ज्ञानी थी या अज्ञानी थी? अज्ञानी थी। हाँ, बाप की बातों में, बुद्धिमानी की बातों में रस लिया, इसलिए कहा ज्ञानी तू आत्मा। तो यहां जो बात आई है कि रुद्रमाला के मण के बड़े बड़े कांटे हैं, सो झूठी बात है या सच्ची बात है? सच्ची बात है। ऐसे नहीं कि दूसरे वंश के ज्यादा दुखदाई बनते हैं। और सूर्यवंशी कम दुखदाई बनते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा सुखदाई होते हैं देवताएं, वो ही देवताएं ज्यादा से ज्यादा दुखदाई बन जाते हैं। अभी रिजल्ट ड्रामा अभी पूरा शूट नहीं हुआ है, इसलिए प्रश्न पैदा हो रहा है। ऐसे नहीं है कि काशी नगरी में सारे के सारे सुखदाई इकट्ठे हो गए हो, नहीं, नियम बना हुआ है जो सबसे जास्ती ऊंचा उठता है वो ही सबसे जास्ती नीचे गिरता है, जो सबसे जास्ती सुखदाई बनता है वो ही सबसे जास्ती दुखदाई बनता है। दुनिया में सबसे ज्यादा त्रास देने वाला, जब दुनिया का विनाश होगा, सारे वायुमंडल में पृथ्वी चंद्र आकाश नक्षत्र मंडल में सबसे जास्ती दुखदाई कौन साबित होगा? कौन? पृथ्वी। पृथ्वी
पृथ्वी ज्यादा दुखदायी साबित होगी। भूकंप आता है, हाँ, भूकंप भी कब आएगा? भूकंप का भी कारण क्या होगा? जो गर्मी पृथ्वी के अंदर भरी हुई है, वो गर्मी लावा बन करके बाहर कब फटेगी? असंतुलन क्यों होगा? असंतुलन माने डावाडोल होना, क्यों होगा? है तत्वों का असंतुलन क्यों होगा? क्योंकि सूर्य बहुत तेजी से तपेगा, इतना तेजी से तपेगा कि जो ओजोन किरण अभी फट रही है तो वैज्ञानिकों में हलचल मच रही है। इतनी तेजी से तपेगा कि सारी ओजोन किरण फटने लग पड़ेगी। अब पृथ्वी का वायुमंडल बहुत गर्म हो जाएगा, इतना गर्म होगा कि अंदर का लावा सारा फूट के बाहर निकलने लग पड़ेगा। है मनुष्यों में वो कौन मनुष्य है जो दुनिया के विनाश का कारण बनता है? अरे कौन है? विदेशी है, बाप विदेशी बन के आया है सबसे बड़ा। अरे हम भी तो बेहद हद दोनों की बातें कर रहे हैं। हद में उठाओ तो वो सूर्य उठा लो जड़, और बेहद में उठाओ तो चैतन्य सूर्य उठा लो। तीन देवताएं हैं, तीन देवताओं में कौन सबसे ज्यादा विनाशकारी है? है जिसे ज्ञान सूर्य कहा गया। अज्ञान और ज्ञान आत्मा में होता है या जड़ में होता है? आत्मा में होता है। तो वो कौन सी आत्मा है जो अति की अज्ञानी बन जाती है? राम ही रावण बन जाता है, वो कौन है? अरे राम बाबू, अरे सूर्य ही तो है। अब वो हद का हो या बेहद का हो, इसलिए सूर्य अकेला है या सूर्य के साथ और सूर्यवंशी भी हैं? हैं? सूर्यवंशी भी हैं। बाप अकेला कुछ भी नहीं करता, स्थापना भी नहीं करता और विनाश भी नहीं करता, बच्चों के साथ ही करता है। बाबा राम वाले आत्मा तो सूर्य कहेंगे नहीं तो बृहस्पति कहेंगे? वो तो एक ही बात हो गई। पति जो है वो साकार बनता है या निराकार बनता है? भारत और ही खोपड़ा बढ़िया। अरे राम वाली आत्मा बृहस्पति है, राम वाली आत्मा ही तो पति बनती है। जो निराकार है वो पति नहीं है, उसका संबंध क्या है आत्माओं के साथ? पति का संबंध है निराकार का? निराकार का संबंध क्या है? बाप और बच्चों का, दूसरा कोई संबंध नहीं है। वो ही निराकार जब साकार में प्रवेश करता है तो अनेक संबंधों के बीच में एक मुख्य संबंध है, पति पत्नी का भी है। तुम सब सजनिया हो, एक है साजन, तो वो बृहस्पति भी है। बृहस्पति माने बड़े थे बड़ा, जिससे बड़ा पति कोई संसार में होता ही नहीं। हाँ बोलो। सूर्य में भी नवग्रह में सूर्य अलग है, बृहस्पति अलग है, अभी राम वाली आत्मा शरीर में शिव। जो सूर्य है उसको तुम निराकार समझते हो या साकार? सूर्य कभी अंधेरा होता है? और राम वाली आत्मा में सीधी बात हो गई। माने वृक्षपति जो है हाँ, इसलिए वो ही बृहस्पति है, वो ही बृहस्पति है। और उसमें प्रवेश करने वाला जो शिव है
वो बृहस्पति नहीं है। और इसलिए कहा गया है मैं निर्लेप होकर किसी के साथ लेप शेप नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि आखिरी माना है आखिरी माना आनंद्रिया का पति बोला है, आखिरी माना आनंद्रिया का पति बोला नहीं, आत्री माने जो तीन में से नहीं है, त्री माने तीन, आ माने नहीं, जो न ब्रह्मा में से है न अकेले विष्णु में से है न अकेले शंकर में से है, तीन से न्यारा है, वो है अत्री। इसलिए कहा गया अत्री। उस स्वरूप को याद करने वाली वो है अनुसूया। सत्य नारायण की कहानी कहते हैं, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं कहते, और ये भी लक्ष्य दिया गया है कि विजय माला को आह्वान करना, तो विजय माला की पवित्रता की इतना महिमा है, फिर नारायण की पवित्रता लक्ष्मी की पवित्रता में फर्क है। नारायण की पवित्रता याद से मिलती है, याद में परिपक्व स्टेज आती है तो नारायण की पवित्रता आती है, और लक्ष्मी तो नेचुरल पवित्र है, 63 जन्मों में भी पवित्र है या अपवित्र है, पवित्र है, वो नेचुरल पवित्रता है। नेचुरल माने प्राकृतिक, प्रकृति माने पृथ्वी, वो पृथ्वी से मिली हुई है, लक्ष्मी अकेली नहीं है, महालक्ष्मी के साथ है, दोनों लक्ष्मी मिलती है तब लक्ष्मी का संपूर्ण रूप बनता है महालक्ष्मी। तो एक है प्राकृतिक रूप और एक प्राकृतिक नहीं है लेकिन याद की स्टेज से बन जाता है, याद है सर्वोपरि। क्योंकि भगवान की दी हुई चीज है, भगवान की दी हुई जो देन है वो लक्ष्मी ने प्राप्त नहीं की, महत्व नहीं आया बुद्धि में, और जिसने उसको महत्व दिया वो याद की स्टेज में ऊंचा चला जाता है। इसलिए जो आवाहन करने की भी बात आती है वो आदि में आती है या मध्य में आती है या अंत में आती है, अब अंतिम समय चल रहा है, अब आवाहन करने की जरूरत है। सोना जब पवित्र बनाया जाता है, आग में डाला जाता है, तो शुरुआत में ही उसमें सुहागा डाल देते हैं, या जब पिघल जाता है तब उसमें सुहागा डालते हैं, पिघल जाता है तब सुहागा डालते हैं, ऐसे यहाँ भी है। ये याद की परिपक्व स्टेज होती जाती है, अब जरूरत है सौभाग्य बनाने वाली की, वो सौभाग्यवती लक्ष्मी ही है, उसका आवाहन करना है, समय पर आवाहन करना अच्छी बात है। सन्यासी की पवित्रता जिस पवित्रता की कोई परीक्षा न हो उसको कोई मानेगा? बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान मानने के लिए तैयार होते हैं? नहीं होते। इसलिए सीता की भी पवित्रता की परीक्षा होना जरूरी है। भगवान राम भी तभी मानेगा जबकि परीक्षा हो जाए। त्रिदेवियों ने भी तभी माना जब अनुसुईया की परीक्षा हो जाए। परीक्षा में पास तो मानना पड़े परीक्षा,
और स्वीकार किया है, एक ही जन्म में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। पापा ने कहा कि बौद्ध धर्म के अशोक चक्रवर्ती है, उन्होंने एक ही जन्म में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। हाँ, फिर पापा ने कहा विक्रमाला के मन के कन्वर्ट नहीं होते, धर्म में जन्म लेते। ये थोड़ा ही कहा, ये थोड़ा ही कहा, तुमको गलत फहमी हो गई। ये कहा कि रुद्रमाला के जो मणके हैं वो देवी देवता सनातन धर्म के मणके हैं या दूसरे धर्म के मणके हैं, तो वो तो कन्वर्ट होते ही हैं। वो नहीं कन्वर्ट होंगे तो फिर कन्वर्शन आएगा कहाँ से? धर्म में जन्म लेते हैं। हाँ जी, वो दूसरे धर्म का धर्म पिता आकर के प्रवेश करता है, तब जाकर के दूसरे धर्म का छिलका चढ़ता है उन पर, और अगले जन्म में जाकर चढ़ता है, उसी जन्म में नहीं। सिद्धार्थ में जिस जन्म में प्रवेश किया उस जन्म में बिंबसार अथवा सिद्धार्थ का जो बाप है वो कन्वर्ट नहीं होता, दो चार छह जन्मों के बाद कन्वर्शन होता है, जन्म लेकर के वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब जन्म लेता है। बाबा अशोक चक्रवर्ती आधार मूर्तों की दुनिया से आया। हाँ, आधार मूर्तों की दुनिया से आया। हाँ, ऊन जल्दी सड़ जाता है, ऊन जल्दी सड़ जाता है और कांडे ज्यादा दिन रहता है। फूल सड़ जाता है और कांटे ज्यादा दिन रहता। देखो, राक्षसों की और फूलों की जब तुलना करेंगे तो फूल ज्यादा स्थायी होते हैं या राक्षस ज्यादा स्थायी होते हैं? कड़क कौन होता है? है? कांटा, कांटा ज्यादा कड़क होता है और फूल है उतना कड़क नहीं होता है। जो कड़क होता है वो ही दूसरों को दुख देता है, इसलिए कांटे राक्षस बड़े हैं। गुलाब का फूल पहले निकलता है या कांटे पहले निकलते हैं? है? कांटे पहले निकलते हैं, कांटे बड़े हुए और फूल छोटे हुए। राक्षसों ने पहले जन्म लिया दिति से और देवताओं ने अदिति से बाद में जन्म लिया। जो पहले जन्म लेते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े होते हैं इसलिए उनमें पावर ज्यादा होती है। जो बाद में जन्म लेते हैं वो छोटे होते हैं, उनमें पावर कम होती है। विजयमाला और रुद्रमाला दोनों में कांटे कौन है और फूल कौन है? है? रुद्रमाला कांटे है। अपने स्वरूप को पहले कौन पहचानते हैं, रुद्रमाला वाले पहचानते हैं या विजयमाला वाले पहचानते हैं? है? रुद्रमाला वाले पहले पहचानते हैं, वो असुर है और विजयमाला देवात्मा है। कंट्रास्ट के हिसाब से कहा जाता है, टोटली नहीं कह रहे हैं। रोडराना में उतरने वाले आते हैं, त्रेता में उतरने वाले आते हैं पहली पहली बार, और द्वापर में भी उतरने वाले आते हैं और पहली पहली बार कलयुग में भी उतरने वाले आते हैं। इन सब आत्माओं की पवित्रता में फर्क क्या है? जो कलयुग में उतरती हैं उनमें चार कला से भी कम प्योरिटी होती है, जो द्वापर में उतरती हैं उनसे आठ कला से भी कम प्योरिटी होती है, जो त्रेता में उतरती हैं उनसे चौदह कला से भी कम प्योरिटी होती है, जो सतयुग में उतरती हैं उनसे सोलह कला से भी कम प्योरिटी होती है, जो संगम युग में ही उतर आती है
उनमें 16 कला से कम नहीं, कितनी? पूरी 16 कला से प्योरिटी होती है। और बाबा अभी तो बताया पर्चे है, अभी तो बाबा बताया पर्चे है, प्रजा पिता को संघ नहीं कहेंगे है, प्रजा पिता को संघ नहीं कहेंगे, प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे, बिल्कुल क्लियर बात। शंकर अलग उपास्य, प्रजापिता अलग उपास्य। प्रजापिता भिखारी को कहा जाता है, 500-700 करोड़ प्रजापिता, प्रजा का पिता है। माना द्वापर युग के आदि में 10 करोड़ आबादी थी, उस समय प्रजापिता नहीं कहा जा सकता, उस समय तमो प्रधानता थी या रजो प्रधानता की आदि थी, रजो प्रधानता की आदि में प्रजापिता नहीं कहेंगे, सब कहेंगे। अंत में एकदम जब तमो प्रधान हो जाए तब कहेंगे प्रजापिता। प्रजापिता माने कितने का पिता है? 500-700 करोड़ का पिता, या तो सर्वोपरि वो बीज जबकि सारा वृक्ष भी नहीं होता है, जिस बीज से सारा वृक्ष निकलना आरंभ होता है तब है प्रजापिता। बीजारोपण के टाइम पर पिता, अथवा जब वृक्ष पूरा बड़ा हो जाए, उसमें से फूल, फूल से फल, और फल भी पक जाए, तो पकने के बाद उसके अंदर जो बीज है वो फल से भी, फूल से भी, टहनियों से भी, पत्तों से भी, तने से भी, जड़ों से भी अपने को डिटैच कर ले, कोई अटैचमेंट न रहे, तब कहेंगे प्रजापिता। आज में भी प्रजापिता और अंत में भी प्रजापिता। और ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रचा, विष्णु बिगाड़ दिया, अभी चौथी बार नहीं है, क्योंकि युग 4 है, इसीलिए 4 बार रचा। मैंने अभी कौन सा युगों को बिगाड़ दिया, अभी हम कौन सा युग का देख रहे हैं? 76 में कौन से युग की पूर्ति हुई शूटिंग की? हैं? सतयुग की पूर्ति हुई, देवताई षष्ठी, देवताई षष्ठी का 4 युग पूरा हुआ, 4 अवस्थाएं पूरी हुई, तो बिगाड़ दिया। त्रेतायुगी षष्ठी 76 से 87, जितने भी थे उस समय तक, जो भी एडवांस पार्टी में नए नए निकले वो सब 86 में 86 हो गए, फिर 87 से नई 87, नई षष्टि की शुरुआत द्वापर युग। 98-99 में द्वापर युग की शूटिंग भी पूरी हो गई, वो भी खलास। 2004 में 3 में आसुरी जो ब्राह्मणों की षष्टि है, जिसने सब खत्म कर दिया, कलह क्लेश की दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस में भी, वो भी खलास। तो 3 रूप तो पूरे हुए, अभी 4th रूप चल रहा है, उसे खलास होने का जब तक टाइम आएगा तब तक वैष्णो देवी प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाबा तो स्थापन करने आए थे, रोटी शूटिंग को क्यों बिगाड़ना पड़ा? और क्या बिगाड़ना पड़ा, बिगड़ा कहाँ गया, बना ही नहीं, बना कहाँ था जो बिगाड़ना पड़ा? शूटिंग हो चुका तो कोई प्रैक्टिकल थोड़ा ही हो गया, शूटिंग ऐसे थोड़ा ही होता है कि 4 सीन की शूटिंग की जाती है तो 4 सीन की शूटिंग एक बार आवृत हो गई तो पूरी हो जाएगी,
नहीं, वो शूटिंग का काम तब तक चलता रहता है जब तक परिपक्वता ना आ जाए। तो ये परिपक्वता का कार्य चलता ही रहेगा, जब तक जीना है तब तक पीना है। रिहर्सल कहो, शूटिंग कहो, रिकॉर्डिंग कहो, ये चलती ही रहेगी। ये कहा गया ना बाबा, आत्मा में 84 जन्मों का फोन रिकॉर्ड होता है, मतलब होता हूँ। तो फिर उसमें 4 युग भी शामिल है। हाँ, तो फिर ऐसा विनाश होते हैं। ऐसा विनाश हो गया तो कहाँ विनाश हो गया, बना ही कहाँ था जो विनाश हो गया। जब तक सूर्य बने नहीं तब तक नहीं, तब तक चलता रहेगा। और ओ